नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नरेश मित्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट यहाँ सबसे पहले देखने को मिलती है। तो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, रीट भर्ती में आया नया मोड, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर नियुक्ति है जो इसी महीने देने की संभावना थी, लेकिन अब नियुक्ति को लेकर संकट आ चुका है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही देख रहे हैं कि नियुक्ति को लेकर संकट खड़ा हुआ है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिल्कुल स्किप न करें और अंत तक देखें ताकि आपको थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी आने वाली लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुँचते रहे। चलिए बढ़ते हैं क्या पूरी अपडेट। देखिए साथियों, इसी महीने देनी है नियुक्ति और 24,000 पद कम होने से अभ्यर्थी चिंतित है, क्योंकि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 48,000 पदों पर होनी है और नियुक्ति और पद केवल 24,000 और नतीजा इतने ही पद करने होंगे खाली। और गहलोत सरकार ने इसी महीने ग्रेड थर्ड के 48,000 शिक्षकों को नियुक्ति देने की तैयारी में है, और लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में करीब 24,000 पद ही रिक्त है। ऐसे में बाकी 24,000 शिक्षकों को कहाँ लगाया जाएगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित 48,000 शिक्षकों के नियमानुसार प्रारंभिक स्कूलों में लगाया जा सकता है, और वहीं प्रदेश के करीब 46,000 प्रारंभिक स्कूलों में रिक्त पद मात्र 24,000 है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या जो 24,000 है, और नई भर्ती में प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पदों पर ही लगाने का प्रावधान है, और ऐसे में 24,000 पद होने की वजह से अभ्यर्थियों के सामने नियुक्ति को लेकर बड़ा संकट खड़ा हुआ है। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।